शब्बीर और भंसाली के कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट इस वक्त घर पर ही क्वारंटीन है। 15 मार्च को मिस भट्ट का बर्थडे है, लेकिन रणबीर के लिए आलिया अपनी बर्थडे पार्टी को भी डिले कर रही हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। रणबीर के लिए आलिया ने पोस्टपोन किए बर्थडे प्लान। मिस्टर कपूर के ठीक होने के बाद होगा सेलिब्रेशन जोरदार। बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर हाल ही में कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। इस बात की जानकारी खुद उनकी मॉम नीतू कपूर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दी। नीतू ने लिखा था, आप सभी की चिंताओं और शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया। रणबीर का कोविड 19 टेस्ट पॉजिटिव निकला है, वो इसकी दवाइयां ले रहे हैं और उनकी हालत में सुधार हो रहा है। फिलहाल रणबीर अपने घर पर ही क्वारंटीन है और उनके सभी पर्सनल और प्रोफेशनल प्लान फिलहाल आगे के लिए चल गए हैं। लेकिन एक लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो अब आलिया ने अपने बर्थडे पार्टी को भी पोस्टपोन कर दिया है। खबरों की माने तो रणबीर ने अपनी गर्लफ्रेंड आलिया भट्ट के लिए भी एक छोटी सी गेट टुगेदर पार्टी प्लान की थी। ये पार्टी 15 मार्च को होनी थी, लेकिन अब जब मिस्टर कपूर ही क्वारंटीन है तो इस पार्टी को भी पोस्टपोन किया जा रहा है। जैसे कि सब जानते हैं कि रणबीर ब्रह्मास के सेट पर कोरोना की चपेट में आ गए थे, वहीं अब संजय लीला भंसाली भी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। आलिया संजय के साथ गंगूबाई में काम कर रही थी। मिस भट्ट दोनों के ही बेहद करीब है, ऐसे में आलिया ने भी सावधानी बरती और खुद क्वारंटीन कर लिया। वो घर में ही क्वारंटीन रहेंगी और हर रोज उनका टेस्ट भी हो रहा है, लेकिन उनकी रिपोर्ट नेगेटिव है। वहीं खुद को क्वारंटीन करने के बाद मिस भट्ट ने रणबीर कपूर के लिए एक मोटिवेशनल कोट भी शेयर किया है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, हम जिस चीज से गुजरते हैं उसी से भरते हैं। इसके साथ ही आलिया ने हैशटैग के साथ द गुड वर्ड भी लिखा है। वहीं रणबीर के पॉजिटिव पाए जाने के बाद अयान मुखर्जी के डायरेक्शन में बन रही फिल्म ब्रह्मास्त्र को एक बार फिर से होल्ड पर डाल दिया गया है। फिल्म में अब सिर्फ रणबीर का हिस्सा ही शूट होना बाकी है, लेकिन उनके ठीक होने तक अब फिल्म की शूटिंग नहीं होगी। इस मेगा मूवी की शूटिंग रणबीर के पूरी तरह से ठीक होने के बाद शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि ब्रह्मास्त्र रणबीर की पहली फिल्म होगी जिसमें वो आलिया भट्ट के साथ काम करते नजर आएंगे।